ये हमारी बस घूम गई यहाँ पे, स्लिप हो गई, बर्फ है। एक प्राइवेट बस एक हमारे आगे थी, वो बस निकल गई, तो जो सरकारी बस वाला ड्राइवर था उसने सोचा कि निकल जाएगी, तो थोड़ा सा गियर चेंज किया शायद। यहाँ किसी ने आग जलाई है, मैं तो ये सीखने आ गई। दिमाग खराब हो गया, गाड़ी ऊपर से आई, तो मैं क्या। ये हमारी बस घूम गई यहाँ पे, स्लिप हो गई। ओह माय गॉड, औरों को नुकसान कर दिया यार, खुद भी मर गए थे, दूसरे को मरवा दिया। तो आई ऊपर से आई गाड़ी, बैग तो गाड़ी गाड़ी ऐसी घूम रही है, आपको बोला खाली बस यार गाड़ी की बस पीछे से स्लिप होके आई आई आई। हमारी हम इस बस में बैठे थे ना, और बस यहाँ से स्लिप होके आई है पीछे से, इधर इधर से इधर इधर से। बस एक ब्लेरो गाड़ी खड़ी थी, ब्लेरो नहीं है ये, कैंपर है, ब्लेरो कैंपर। हाँ ब्लेरो कैंपर है, वो नीचे उसमें टक्कर लग गई और वो नीचे सड़क से बाहर बिल्कुल ही जम गया है, और इस पर टायर स्किट हो रहे हैं। क्या हुआ, जा रही है बस? हाँ बस निकाल रहे ऊपर से, पेड़ों से बर्फ गिर रही है। हम आपको क्लेम थोड़ी करेंगे, आप ये थोड़ी देना यार। थैंक गॉड उस बस गाड़ी में कोई नहीं था, गाड़ी में नहीं था ना कोई, अच्छा इनकी गाड़ी थी। ही बर्फ है जी। राहुल भाई क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? एक्चुअली ऐसा हुआ है कि प्राइवेट बस एक हमारे आगे थी, वो बस निकल गई, तो जो सरकारी बस वाला ड्राइवर था उसने सोचा कि निकल जाएगी, तो थोड़ा सा गियर चेंज किया शायद, पता नहीं क्या किया, तो गाड़ी स्लिप करने लगी, वापस आने लगी, और वापस आते आते आगे पहले से ही एक बुलेरो कैंपर बाहर निकली हुई थी रोड से, तो इस बस ने उस गाड़ी में टक्कर मार दी, और बुलेरो कैंपर शायद किन्नौर वाले थे वो, और नीचे चले गई। शुक्र है उसमें कोई बैठा नहीं था, वो भी बाहर उतरे हुए थे, और बस से जो उस गाड़ी में टक्कर लग गई, और गाड़ी तो नीचे चले गई, बस भी बाहर है। बाहर तो है यार, बस रुक गई, हम भी इसी बस में बैठे थे, बस में बैठे थे हम लोग भी, फटाफट बाहर निकलने लग गए, गाड़ी स्किट हो रही थी, फिर हम फटाफट निकले और रुक गई गाड़ी, और कंडक्टर बाहर था, उसने फिर पत्थर लगा दिया था बाहर। हाँ फिर तभी, नहीं तो हम भी नीचे पहुंच गए होते, पता नहीं जंगल में कहां पहुंच गए होते। आज मैं और राहुल ट्रैवल कर रहे थे शिमला के लिए घर से, और कल रात को ही स्नोफॉल हो गया था नारकंडा में, और फिर भी बस वाला नारकंडा होके लेके आ गया हमें, क्योंकि हमारी किस्मत में लिखा था एक एक्सीडेंट पर हम बच गए, इसीलिए हम ऐसे हंस रहे हैं। वो पीछे बस है, हम तो धूप में रुकने आ गए, पीछे एक भैया है ना उनको चोट लगी है, अरे सेवा यहाँ किसी ने आग जलाई है, मैं तो ये सीखने आ गई। ये वाली बस तो निकल गई यार, अब निकल रहे, ऊपर से गाड़ी आ रही है। नीचे शिमला में यार, अब वहाँ तो हमने जो उसको नीतू लाले को फोन कर है, सारी गाड़ियाँ बहुत आराम आराम से जा रही हैं, ये तो स्किट हो रही हैं गाड़ियाँ, और ये हमारी बस थी यहाँ पे।